तो इस पहाड़ की तरफ दिखाने से पहले तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जैसे हम इस साइड की तरफ देखते हैं तो सामने भी एक टॉम्ब है वो। तो आज भी काफ़ी संख्या में फॉरनर भी हैं, जो कि फॉरनर टूरिस्ट भी देखने आ रखे हैं। तो मैं हाँ, इनमें से ज़्यादा फॉरनर ही है, वाकई फॉरनर ही दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे इस पार्ट की तरफ आए हैं तो ऊपर छांव है, इस पेड़ के नीचे हैं फिलहाल। तो यहाँ से साइड का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है हुमायूं टॉम्ब का, काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो इस साइड का व्यू, अब उस पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सामने वाला पार्ट जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था, क्या है देखते हैं। तो इस पार्ट की तरफ पहुँचे हैं, जैसे इस पार्ट की तरफ हम पहुँचे हैं तो ये सामने कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये बंद सा है, ना ही इसका कोई अगल बगल में कोई बोर्ड दिखाई दे रहा है, कोई बोर्ड लगा हो इसके बारे में जानकारी जहाँ से मिल सके ये क्या चीज़ है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो इसके जस्ट सामने ही यहाँ से इस साइड का व्यू दिखाई देता है हुमायूं टॉम्ब का। तो चलते हैं अब आगे की ओर, इसके इस पार्ट की तरफ देखते हैं क्या है। तो इस पार्ट की तरफ भाई एक गार्ड खड़े हैं, देखते हैं क्या है। तो ऐसा कुछ भी हुआ भाई इस पार्ट में, क्या है इस कुछ भी नहीं इधर का। हाँ हाँ दिखा दो। अरे वो बंदा बैठा है, इस पार्ट में। अच्छा जी, वैसा ही है, अलाउ नहीं है। अच्छा, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो खाली जंगल जंगल जैसा ही है साइड। ठीक है भाई, अब उधर इसके आगे कोई है उधर का रास्ता कर लीजिए। अच्छा चलो ठीक है। तो भाई वहाँ पे जो गार्ड खड़े थे इस टॉम्ब के तरफ से, जो सिक्योरिटी में होंगे, तो वो कह रहे हैं इस साइड में कोई रास्ता नहीं है, मना कर रहे थे। तो चलते हैं दूसरी साइड की ओर। दूसरी साइड की ओर जाने से पहले एक व्यू दिखा दूं इस पेड़ पे, ये देख लो, बाज ईगल जैसे कुछ बैठे हुए हैं ये। तो काफ़ी, तो यहाँ पे हर पेड़ पे पंछी भी दिखाई देंगे जो कि धूप में ऐसे ही बैठ रखे हैं, बाज। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो चलते हैं भाई अब आगे की ओर। तो टॉम्ब से कुछ ही दूरी पर आने पर ऐसा कुछ व्यू है सामने का। तो सामने ये नाले के साथ साथ चलते हुए, जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं, एक प्लेटफार्म सा बना हुआ है और जिसके ऊपर ये कब्रें बनी हुई हैं। तो ये कब्रें अनजान कब्रें हैं, किसके नाम की हैं ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। फ़िलहाल कब्रों का एक व्यू मैं दिखा दूँ यहाँ से। तो ये छोटी कब्रें हैं, जैसे कि बच्चों की कब्रें लग रही हैं। तो फ़िलहाल ये कब्र के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, किस भाषा में लिखा है इसका पता नहीं। फ़िलहाल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, शायद अरबी या फारसी ऐसा कुछ भाषा लग रही है। तो फिलहाल कब्रों पे ये पेड़ के कारण ऐसा कुछ हाल हो रखा है इनका। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इनका व्यू। तो कुछ साफ़ सफाई या कुछ इस पेड़ों के पत्तों की वजह से या कुछ मौसम की वजह से, तो ये ऐसा कुछ हाल हो चुका है इनका। ऊपर जो नक्काशी या जो भी डिज़ाइन है वो भी अब धुंधला सा पड़ने लगा है। तो ठीक है, मैं भी पीता हूँ। तो सामने ये हुमायूं का टॉम्ब है। तो
इस टॉम्ब के इस पार्क से एंटर गेट का कुछ ऐसा व्यू है जो कि मैं साइड से दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम इधर से निगाह घुमाते हैं तो सामने भी एक एंट्रेंस गेट है, इस तरफ में भी एक टॉम्ब बना हुआ है। तो यहाँ का रास्ता ऐसा कुछ है, तो इस साइड में एंटर होते ही इस साइड में सामने हुमायूं टॉम्ब का गेट का बॉल है। तो इस तरफ ये पता नहीं कौन सा टॉम्ब है जिसका बॉल है, तो देखते हैं इस टॉम्ब को आगे से जाकर। फिलहाल साइड में इसकी हिस्ट्री का एक बोल लग रखा है, पत्थर सा लग रखा है, तो देखते हैं उस पर इसके बारे में क्या हिस्ट्री है, किसका टॉम्ब है। तो सामने एक पिलर लग रखा है जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मुगल काल के मकबरे तथा मस्जिद दोनों को लोक साहित्य में अफसरनामा के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका आशय है अधिकारी। अष्टकोणीय मकबरा लाल पत्थर से ढका हुआ है, जिसके आंतरिक कार्य में सफ़ेद तथा काले पत्थर का प्रयोग हुआ है। तीन कक्षों जितनी चौड़ी मस्जिद की मध्यवर्ती ऊंची मेहराब के ऊपर एक आला है, जिस पर संभवत कभी उत्कीर्ण लेख था। अफसरनामा गुंबद एंड मस्जिद, तो अफसर वाला टॉम्ब एंड मॉस्क 1566 AD। तो चलते हैं, अफसर वाला टॉम्ब है ये। तो ऐसा कुछ व्यू है अफसर वाले टॉम्ब का। तो सामने का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो अगल बगल का व्यू कुछ ऐसा है। तो ये पक्का रास्ता जो कि नीचे बन रखा है, तो बाउंड्री वॉल का व्यू बगल का ऐसा कुछ है। तो सामने से ये फ्रंट पार्ट ऐसा दिखाई देता है जैसे हम इसके नज़दीक पहुँचते हैं, जो कि अफसर वाला टॉम्ब, तो जिसकी हिस्ट्री जो कि मैंने आपको वहाँ दिखा दी थी, जिसको आप पॉज करके या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। मैं तो यहाँ लिखा हुआ मस्जिद में जूते पहनकर जाना प्रतिबंधित है, तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे मस्जिद। तो ये यहाँ से एंट्रेंस का पार्ट है। तो फिलहाल तो ये सारा एम्प्टी लगता है, सारा खाली पार्ट सा लग रहा है। देख के आते हैं अंदर का हिस्सा। इसके पार्ट के अंदर जाने से पहले ऐसा कुछ व्यू है, तो इसके बगल का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे लॉक लग रखा है। तो अब हम जैसे ही अंदर आते हैं तो छत के ऊपर के पार्ट का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो ये जालीदार जो लग रखे हैं पुराने ज़माने के रोशनदान टाइप के, तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन सा बन रखा है जो कि मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। तो छत का व्यू लगभग ऐसा ही है, काफ़ी शानदार है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो अब इस पार्ट के अंदर आते हैं, जो कि साथ साथ में जॉइंट ही पार्ट है, ना कोई दरवाज़ा ना कुछ ऐसा कुछ अंदर का व्यू। तो इस पार्ट से जैसे हम इस तरफ की तरफ देखते हैं तो ये साथ का एक और पार्ट है। तो इस तरफ से जाके देखते हैं इस पार्ट का व्यू। अंदर के पार्ट में कब्रों में ही कुछ लोग लेटे हुए थे जो कि आपने देखा, तो जूतों समेत अंदर घुसे हुए हैं, जैसा कि बाहर लिखा हुआ है जूते पहन के अंदर जाना मना है। तो ऐसा कुछ इस पार्ट का हिस्सा तो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो इस पार्ट से ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं वापसी की और अगले टॉम्ब की तरफ। तो फिलहाल ये था अफसर वाला टॉम्ब
इसका पार्ट जो कि मैंने इंटरनल पार्ट भी आपको दिखाया, तो इसकी हिस्ट्री का भी बोर्ड था जो कि आप पढ़ सकते हो। तो बाकी हिस्ट्री के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा पता ना हो तो गलत सलत भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिलहाल ये था अफसर वाला टॉम। मकबरे के परिसर का यह शाही प्रवेश द्वार है। इस भव्य दरवाजे की दीवारें प्रांगण में प्रवेश के लिए स्वागत करने हेतु बाहर की तरफ प्रक्षेपित हैं। भूतल पर कमरों की श्रृंखला है तथा ऊपरी मंजिल में केंद्रीय आंगन, इसके उत्तर तथा दक्षिण में कमरे हैं। दरवाजे के पश्चिम में सराय था, इसको बोलते हैं दक्षिणी दरवाजा, साउथ गेट। तो ये लिखा था साउथ गेट का हिस्ट्री, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये है साउथ गेट के ऊपरी हिस्से का व्यू। तो ऊपरी हिस्से का व्यू ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो सामने दरवाजे का व्यू, पुराना दरवाजा उसी रूप में लग रखा है। तो ये इसको बोलते हैं साउथ गेट, जो कि जैसे ही हम ये एंटर होते हैं सामने के पार्ट से, तो ये इस पार्ट के इस साइड से दिखाई देता है, हुमायूं के मकबरे से इस पार्ट का। ये है साउथ गेट। तो अब चलते हैं इसके एंट्रेंस पार्ट की ओर। तो ये साउथ गेट, साउथ गेट के साथ में ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस का रास्ता कुछ ऐसा है जहाँ से हम जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा व्यू है, इधर का रास्ता बता रहे हैं। गार्ड बंद है, बंद है। ये कौन सा पार्ट है? ये भी एक पार्ट है इस साइड का। तो ये अब इस पार्ट से होते हुए इस साइड से हुमायूं का टॉम्ब दिखाते हुए, तो सामने के एक पार्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ पे भी एक टॉम्ब बना हुआ है, किसका बना हुआ जाके देखते हैं। तो इधर हुमायूं का टॉम्ब सामने, तो इस साइड में मेरे साउथ गेट जिसकी मैं बात कर रहा था, एकदम जस्ट आमने सामने ओपोजिट। तो अब वीडियो का दूसरा पार्ट में ये एक टॉम्ब का हिस्सा, जो कि ये भी हम देखेंगे जाके किसका टॉम्ब है, तो इसकी हिस्ट्री भी देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल सामने एक टॉम्ब दिखाई दे रहा है, तो बढ़ते हैं उसी तरफ। तो एकदम नज़दीक से पहुंच गए हैं सामने वाले टॉम्ब के पार्ट का। ये फ्रंट साइड का भी वैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, सामने से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये किसका टॉम्ब है देखते हैं, कहीं पे बोर्ड लगा होगा तो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सामने आ गए हैं एकदम से नज़दीक से, तो सामने कुछ आदमी बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं उस सामने की तरफ से क्या लिखा है, किसका टॉम्ब है, इसकी क्या हिस्ट्री है, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई सामने लिखा है नाई का मकबरा, यानी कि बार्बर स्टॉम। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये है नाई का मकबरा। तो सामने वो बोर्ड लगा हुआ है, तो इस साइड में एंट्रेंस के लिए सीढ़ियां हैं। तो चलते हैं नाई का मकबरा, देख के आते हैं क्या है। तो सबसे पहले एंट्रेंस पे सीढ़ियों से चढ़ते ही ये सामने का ऊपर का पार्ट ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इस साइड के पार्ट को हम देखते हुए, जैसे हम अंदर की तरफ एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, तो एंट्रेंस की तरफ दो कब्रें बनी हुई है अंदर के पार्ट में,
तो ये सामने का हिस्सा, तो इस साइड में ये लकड़ी के पुराने दरवाजे हैं या नए हैं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से तो पुराने बोल सकते हैं। तो अंदर काफ़ी अंधेरा सा है, कबूतरों की आवाज़ आ रही है, गूंज रही है। तो छत का व्यू काफ़ी शानदार डिज़ाइनिंग हो रखी है, लेकिन अंधेरे के कारण शायद हो सकता है कैमरे में ना आए। तो अंदर ये दो कब्रें बनी हुई हैं। कब्र के इस पार्ट के तरफ भी ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इस पार्ट की तरफ देखते हैं तो इस पार्ट में भी कुछ ऐसा है, ये हिस्सा कुछ ऐसा। अब ये अरबी या फारसी या किस लैंग्वेज में है, क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं है। तो इस तरफ आते हैं तो इस तरफ से ये जालीदार, ये यहाँ पे रोशनदान टाइप बन रखे हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलते हैं अब मकबरे के इस पार्ट की ओर। तो इस पार्ट की ओर, यहाँ से जैसे ही इस पार्ट की ओर घूमते हैं सामने से हुमायूं टॉम दिखाई देगा। फिर इस पार्ट की तरफ हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ से ऐसे ऊपर का भाग और नीचे का भाग जैसे हम दिखाई देते हैं, तो अंदर से जैसा इसका इंटरनल पार्ट से मैं दिखा रहा था, तो ये वो पार्ट है जो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अब इस दीवार से होते हुए जैसे हम इस दीवार की तरफ आएंगे तो इस दीवार की तरफ कुछ इस तरह से ये जालीदार हिस्सा, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, छत का हिस्सा है। इस साइड में ये ऊपर का ऐसा दिखाई दे रहा है मेहराब से जो बन रखे हैं डिजाइनदार। तो इस पार्ट की तरफ जाते हैं तो इस पार्ट की तरफ में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये है नाई का मकबरा, जो कि हिस्ट्री जैसी भी लिखी थी मैंने आपको दिखा दी थी, जो कि स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो चलते हैं अब अगले पार्ट की ओर, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो ये था नाई का मकबरा जहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो इसके जस्ट निकलने के साथ में ही एक पार्ट आगे की ओर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो उस पार्ट की ओर जैसे ही हम जाएंगे तो वही वे पार्ट में सामने में क्या है वो देखते हैं, उस पार्ट में क्या देखने को मिलता है। तो 14,000 मीटर नाई के मकबरे का इस पार्ट का ऊपर का देख सकते हो, जो छोटे छोटे गुंबद बन रखे हैं मुख्य गुंबद के साथ में, जो कि नीले रंग में हैं और आकार में छोटे हैं। तो अब चलते हैं इस पार्ट की ओर, इस पार्ट की ओर भी अगर कोई टॉम बनाए या क्या है वो सामने जाने पे पता चलेगा। फिलहाल पहुंचते हैं इसके सामने वाला एंट्रेंस गेट की ओर। तो इस साइड से नाई का मकबरे के ऊपर जो नीले रंग के दो गुंबद दिखाई दे रहे हैं, जो कि दूसरी पार्ट की तरफ में भी हैं, यानी कि चारों कोनों में एक एक, एक नीला गुंबद ऐसे बन रखा है मुख्य गुंबद के साथ में। तो इस साइड में इसके ओपोजिट पार्ट में हुमायूं का मकबरे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, उस साइड में साउथ गेट का हिस्सा दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो अब बात करते हैं इस साइड के हिस्से की। तो इस साइड का हिस्सा जैसे ही हम इस तरफ से एंटर होते हैं तो इस साइड का हिस्सा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इस साइड का हिस्सा सामने से ऐसा, जिसकी मैं बात कर रहा था हुमायूं गुंबद से ये पार्ट दिखाई देता है। तो अब यहाँ से स्टेयर के ऊपर से चढ़ के जाते हैं इस पार्ट की तरफ से देखते हैं ये दीवारों का हिस्सा। तो यहाँ से होते हुए गुंबद के फ्रंट पार्ट की ओर जाएंगे, देखेंगे ये किसका, ये गुंबद के नीली गुंबद है जो, देखते हैं ये किसका टॉम्ब है। तो ये दीवारों का व्यू इस साइड से। तो यहाँ से आकर इस साइड से हम देखेंगे तो ऐसा कुछ पेड़ों की आड़ से टॉम्ब का व्यू दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं टॉम्ब की तरफ। तो इस टॉम्ब पे पहुँच चुके हैं, नीली गुंबद वाला टॉम्ब, इसका नाम क्या है। तो पढ़ते हैं सामने
हिस्ट्री का बोर्ड लगा हुआ। तो जैसे ही ये सामने एक प्लेटफार्म बना हुआ चबूतरा सा, तो सामने से देखने पर ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके स्टेयर्स पार्ट की तरफ, तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और तो सामने का पार्ट देखते हैं। तो डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, नी कई रंगों का इस्तेमाल हुआ है बीच में, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है, जो कि बीच बीच में इससे कहीं से उड़ गया है या छितरा गया है डिज़ाइन। तो इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ की लोकेशन के हिसाब से मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये सामने इस साइड से अगर हम देखें तो हुमायूं का टॉम्ब ऐसा दिखाई देता है। तो जस्ट इसके ओपोजिट ये क्या है इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताना ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, अगर कोई जानता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये इसका भी रास्ता बंद है, तो ऐसा कुछ जर्जर हालत में है। तो इसकी भी छत का एक व्यू एक हिस्सा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये भी लॉक्ड है, ऐसा कुछ है। तो ये किसी ज़माने में क्या था, अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो कमेंट में ज़रूर बताना, फ़िलहाल मुझे तो पता नहीं है। तो दरवाजे की झिर्री से ऐसा कुछ पार्ट का हिस्सा दिखाई दे रहा अंदर से, तो जो कि मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ हिस्सा है जो कि अंदर से ऐसे दिखाई देता है। तो अब ये यहाँ पे ऐसा दरवाज़ा लगा हुआ है, तो जस्ट इसके इस साइड में ऐसा कुछ खाई टाइप सा है। तो ये ऐसा किनारे पे नाला जैसा खाई जैसा दिखाई दे रहा। तो जस्ट इसके सामने ही हम जैसे ही निगाह मारते हैं तो वो नीले गुंबद वाली टॉम्ब है। तो वो किसके नाम पे, क्या इतिहास है, कोई बोर्ड नहीं वहाँ लगा हुआ है, वहाँ जाने पर देखा तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो फिर आया मैं इस पार्ट की तरफ, तो इस पार्ट की तरफ ऐसा कुछ व्यू था जो मैंने दिखाया है, पीछे गुरुद्वारा साहिब का व्यू दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ नीचे के पार्ट का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, उस सुरंगनुमा नीचे का पार्ट था जो कि उस साइड में नाला बना हुआ जो कि मैंने दिखाया हुआ है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब पहुंचते हैं सामने, एक टॉम्ब है, किसका है, कौन सा है, क्या हिस्ट्री है, देखते हैं। फिलहाल पहुंच गए हैं ईसा खान गार्डन टॉम्ब। तो ये सामने कुछ ऐसा बोर्ड का व्यू, ये सामने हिस्ट्री लिखा हुआ बोर्ड, तो इधर भी लिखा हुआ है ईसा खान का मकबरा 1547 ईसा खान नियाजी शेरशाह सूर के दरबार में अमीर थे। तो इस अहाते के भीतर इनका मकबरा तथा एक मस्जिद है, ये दोनों ही इनके जीवन काल में बनाए गए। ये अष्टघोणीय मकबरा जो हुमायूं के मकबरे से केवल 20 वर्ष पूर्व का है, छतरियों, चमकदार टाइलों, जालीदार जालियों से सजाया गया है। अहाते के पश्चिमी तरफ 3 कक्ष चौड़ी मस्जिद में एक विशाल लाल पत्थर का केंद्रीय दरवाजा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस अहाते में पूरा एक गांव आबाद था। तो ये था इसकी हिस्ट्री का बोर्ड। तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो अब चलते हैं एंट्रेंस पार्ट की तरफ, तो एंट्रेंस पार्ट का व्यू सामने से कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इस तरफ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ यहाँ ईसा खान टॉम्ब की हिस्ट्री का ये बोर्ड। तो अब चलेंगे यहाँ से इस पार्ट की तरफ, देखते हैं। तो इस पार्ट से ऐसे ऊपर का व्यू दिखाई देता, तो यहाँ से अंदर का व्यू। तो यहाँ से चलते हैं इस पार्ट के एंट्रेंस पार्ट की तरफ। तो एंट्रेंस पार्ट में आने पर ऊपर के पार्ट का व्यू ऐसा, तो इस साइड का व्यू ऐसा। तो यहाँ से टॉम्ब का व्यू काफी अट्रैक्टिव है। तो इस साइड में भी एक टॉम्ब बन रखा है, जाके देखते हैं। तो इस साइड से जैसे ही हम आते हैं तो इस साइड का व्यू ऐसा है कुछ,
तो ये टॉम तक जाने के लिए रास्ता बन रखा है, तो इस साइड से व्यू हम देखते हैं। तो टॉम के अंदर के हिस्से से ऐसे आते हुए चारों तरफ का व्यू, तो यहाँ से जैसे ही हम एंट्रेंस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो एंट्रेंस पार्ट का व्यू कुछ ऐसा है। तो अंदर में भी टॉम के ये बाउंड्री वॉल बना रखी है, साथ साथ में एक बाउंड्री वॉल जैसे ही हम एंटर करते हैं उस पहली बाउंड्री वॉल है, ये सेकंड बाउंड्री वॉल है। तो ऐसा कुछ व्यू है। तो अब आते हैं टॉम के इस पार्ट की ओर, तो इस पार्ट की ओर से हम घूमते हुए जाएंगे। तो ऊपर ये छज्जे नुमा बन रखा है, तो कबूतर पंछी बैठे हुए हैं, मीनाकारी की ये डिजाइन है जो कि मैले पड़ गए हैं। तो ये टॉम के अंदर के इंटरनल पार्ट का छतों का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये छज्जे का पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फिलहाल ये ईसा खान का टॉम है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके इस टॉम के किनारे किनारे छज्जे बने हुए हैं जो कि देखने में ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस टॉम को अब इस साइड से होते हुए थोड़ा सा किनारे से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया है जो कि ऐसा कुछ दिखाई देता है, और मेन गुंबद जो कि सफ़ेद रंग का रहा होगा किसी ज़माने में, जो कि उसके थोड़ा थोड़ा सफ़ेद रंग झांक रहा है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उस हिसाब से आज की तारीख में ये धूप बारिश पानी ऐसा कुछ मौसम के प्रभाव से काला पड़ गया होगा, जो कि कुदरती काला नहीं है, तो जैसा कि इसके किए गए रंगों से पता चलता है। तो अब हम आते हैं इसके सामने के पार्ट की तरफ। तो सामने एंट्रेंस होते ही सामने ये कुछ ऐसा व्यू है पहले, तो अब हम सीढ़ियों के द्वारा एंट्रेंस होते हैं। तो एंट्रेंस होती है ऐसा कुछ व्यू। तो अंदर ऐसा कुछ व्यू है, अंदर काफ़ी आवाज़ें गूंज रही हैं, तो काफ़ी अंधेरा भी है। तो छत का व्यू है काफ़ी, अगर लाइट होती तो डिजाइन काफ़ी शानदार है, इतना आकर्षक है कि देखते ही बनता है। तो फिलहाल इस साइड की ऐसी दीवारों का व्यू जो कि ऐसा दिखाई देता है। तो जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कुछ कब्रें मिलेंगी। तो ये कुछ बड़े छोटे आकार की कब्रों का ये ऐसा कुछ रूप दिखाई देगा नीचे से। तो इन कब्रों के ऊपर में भी जैसे कि ये अरबी या फारसी भाषा में लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है कब्रों के ऊपर से। तो कवरों के ऊपर से ऐसा कुछ डिजाइन था जो मैंने आपको दिखाया है। फिलहाल एक पार्ट कवर का इस तरफ से टूट चुका है। तो इस तरफ से हम आते हैं तो काफ़ी डिजाइनदार ये मेहराबदार दरवाजे जैसा पार्ट बना हुआ है। तो इस तरफ से ये जाली वाला पार्ट है रोशनदान सा, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अब इसकी इस साइड से आते हैं तो सामने से हमको कुछ ऐसा डिजाइनदार हिस्सा देखने को मिलता है। तो अंधेरे की वजह से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिलहाल लाल पत्थर है जिसमें कि कुछ अरबी या फारसी भाषा का कुछ लिखा हो सकता है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते ये क्या लिखा है, क्योंकि ये अरबी या फारसी भाषा हो सकती है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो अंधेरे की वजह से कैमरे में शायद पूरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा क्लोज से सामने से देखने पर ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इस पार्ट में भी अंधेरा है, तो इस पार्ट से रोशनी छनके आ रही है जालीदार दरवाज़ा होने के कारण। तो फिलहाल यहाँ से डिजाइन का कुछ पार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ डिजाइन का पार्ट है। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की ओर। तो यहाँ फोटोग्राफी हो रही है भाई। तो यहाँ से निकलते हैं
दूसरे पार्ट की ओर, तो दूसरे पार्ट में भी एक टॉम्ब का हिस्सा है जो कि सामने दिखाई देगा, तो सामने के हिस्से में चलते हैं। तो आप लोगों को ईसा खान का मकबरा दिखा दिया है अंदर के हिस्से भी बाहर से भी, तो अब चलते हैं ईसा खान के मकबरे के जस्ट सामने। तो जैसे ही हम ईसा खान के मकबरे को देखते हैं तो ईसा खान का मकबरा सामने दिखाई देता है, तो सामने बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल से जैसे ही हम सामने की तरफ देखते हैं तो ये एक और टॉम्ब है जो कि जस्ट ईसा खान के टॉम्ब के ऑपोजिट सामने है, यानी कि बगल में बराबर में है। तो अब चलते हैं इस टॉम्ब को देखने के लिए। तो फिलहाल यहाँ बोर्ड बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखते हैं इस टॉम्ब को अंदर से। तो बात करते हैं इस टॉम्ब को देखने की, तो टॉम्ब के फ्रंट पार्ट का हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ऊपर लाल पत्थर है लगा हुआ, बीच में ये रंगदार लगे हुए हैं सफ़ेद नीले रंग का डिज़ाइन, तो ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलता है। तो मेहराबदार दरवाजे को लाल पत्थर का ये डिजाइनिंग जो कि करीब से देखने पर ऐसा कुछ है। तो इस साइड में कुआं टाइप है जो कि बंद किया गया है, तो काफ़ी गहरा है जो कि बंद किया हुआ है। तो चलते हैं इस पार्ट से इसके इंटरनल पार्ट की। तो इंटरनल पार्ट की छतों का जो भी डिजाइन है कुछ भी नहीं है, लेकिन सफ़ेद रंग में है, प्लेन छतें हैं जो कि ऐसा कुछ है। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ डिजाइन है, तो बीच बीच में आले बन रखे हैं ये ऊपर की साइड में, तो इस साइड में ऐसा कुछ है। तो इस साइड में सीढ़ियाँ बन रखी हैं, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन इस पार्ट का हिस्सा ओपन है, तो इसके ऊपर के पार्ट में जाने के लिए बाद में देखेंगे, अगर कुछ है खुला हुआ तो जाएंगे। तो फिलहाल तो ये देखते हैं इस पार्ट में ऐसा कुछ बना हुआ डिजाइन है, तो इस हिस्से को देखेंगे तो काफ़ी करीब से जाने पर काफ़ी अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन है। उस ज़माने में देख सकते हो क्या कलाकारी कैसे की जाती होगी। फिलहाल ये क्या लिख रखा है इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन किस भाषा में, अरबी या फारसी में, ये भी नहीं मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को इस बारे में पता नहीं। फिलहाल ये ऊपर का डिज़ाइन देखते हैं, तो डिज़ाइन काफ़ी शानदार सा है। तो ये था इस पार्ट का हिस्सा जो कि ऐसा कुछ है। तो सेम इस तरफ जाएं तो इस तरफ में ऊपर का हिस्सा जो डोम बना हुआ, डोम का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो डोम से जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे का हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देता है दीवारों का। तो डोम से ज़रा सा नीचे आने पर ऐसा, तो उसके नीचे आने पर जैसे ही है ऊपर आला टाइप दिखाई देता है। तो आने से नीचे जैसे आते हैं तो ये इस टाइप में नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, नीचे का पार्ट जो कि ऐसा बना हुआ, सेम पार्ट उस तरफ बना हुआ था, तो सेम ही है तकरीबन। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा साफ साफ सा दिखाई दे रहा है, तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ ये दिखाई दे रहा है, तो ये सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बाकी सब फिलहाल सेम सेम है। तो दीवारें इसकी जैसा कि अक्सर मकबरों की या किलों की दीवारें मोटाई में काफ़ी होती हैं, लेकिन डिज़ाइन कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि हर एक मकबरे का, किले का या मस्जिद का अपना ही इतिहास होता है, मुग़ल काल का जो भी बना हुआ होगा, तो ऐसा ही कुछ इसका भी इतिहास रहा होगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में इतिहास का कोई बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ना ही लिखा हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी है। फिलहाल एक ढांचा ही बोल सकते हैं कि एक ढांचा नुमा हमको जो कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब कोई इतिहास ही नहीं पता होगा या लिखा ही नहीं होगा तो हम ढांचा बोल सकते हैं, या कि ऐतिहासिक ढांचा या ऐतिहासिक मकबरा ऐसा ही कुछ संबोधन करके बोल सकते हैं। तो फिलहाल ये था
अंदरूनी भाग का व्यू जो कि मैंने आपको छतों से लेकर दीवारों तक का दिखाया। तो अब चलते हैं बाहर की ओर। तो अब बाहर के हिस्से में आ गए हैं। तो ये था भाई ईसा खान के मकबरे का बगल वाला मकबरा, जिसका ना ही बोर्ड है ना ही इतिहास है। तो चलते हैं, यहाँ का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।